जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा के नेतृत्व में शिव सैनिक किसान आंदोलन के समर्थन में पार्टी ने जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि निम्नांकित बिंदुओं पर तत्काल कार्यवाही की मांग करते हैं। तीनों कृषि बिल तत्काल वापस लेकर किसानों का आंदोलन समाप्त कराया जाए। किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाए तथा उनके परिजनों को एक सरकारी नौकरी व 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। किसान आंदोलन में लगाए गए किसानों पर फर्जी मुकदमे बिना शर्त तत्काल वापस लिए जाएं। प्रदर्शन करने वालों में डॉक्टर राजकुमार कश्यप, रामोतार सागर, मंजू राठौर, जमुना देवी, इंद्र देवी, राजबाला, ओम प्रकाश सैनी, राधे श्याम सैनी, प्रमोद सागर, विनोद कुमार, विवेक प्रजापति, विजय सेठ, रजत आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। क्या नाम है आपका, किस मांगों को लेकर क्या समय चल रहा है? रामेश्वर दयाल तुरैया, जिला प्रमुख, सिरसाना, मुरादाबाद। आज शिव सैनिक किसान आंदोलन के समर्थन में जिला कार्यालय गायत्री नगर से 28 नगर विधानसभा तक जुलूस निकालकर माननीय रितेश गुप्ता जी को ज्ञापन देने जा रहे हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारी मांग है कि किसान आंदोलन का जल्दी से जल्दी समाप्त किया जाए और किसान आंदोलन में शहीद हुए शहीदों का दर्जा दिया जाए, परिवारजनों को एक सरकारी नौकरी, 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए और शीघ्र ही किसान आंदोलन समाप्त किया जाए। अगर शीघ्र ही किसान आंदोलन समाप्त नहीं किया गया तो शिव सैनिक भी दिल्ली जाकर भूख हड़ताल पर बैठे। क्या मानते हैं, इतने दिन हो गए अभी तक सरकार इसको वापस नहीं लिया? सरकार गूंगी बहरी है, वो केवल मालिक का फर्ज अदा कर रहे हैं, बाकी उन्हें देश की कोई चिंता नहीं। अब कहाँ से कहाँ जाएंगे अभी? अब हम सीधे नगर विधायक के आवास पर जाएंगे, कार्यालय पर घेराव करेंगे उनका। जब हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, इतनी देर हो गई, हमें घंटों से हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, प्रशासन इतना रवैया उनका ढीला ढाला। कहाँ घेराव करेंगे, किसका घेराव करेंगे? नगर विधायक 28 रितेश गुप्ता जी का घेराव करेंगे, उनके यहीं घर धरने पर बैठ जाएंगे हम जाकर।